सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन फ्रॉम योर ओन चैनल नीट यूजी इन 10। मेरा नाम है विपिन कुमार शर्मा एंड आई एम योर बायोलॉजी मेंटोर ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द कॉन्स्टेंट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि जब भी आप क्लासिफिकेशन करते हैं कोई ना कोई किंगडम एक बेसिक रोल अदा करती है, एक फ्रेमवर्क का काम करती है। और जब हम बात करते हैं ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन की तो हमारे दिमाग में दो किंगडम्स के नाम स्पेसिफिकली छपे हुए हैं, दैट इज किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया। तो ये दोनों किंगडम्स हमेशा से ही कांस्टेंट रही हैं, चाहे आप कैरोलस लिनियस के सिस्टम की बात करो, चाहे आप कालबूज के सिस्टम की बात करो, चाहे आप हैकल साहब के सिस्टम की बात करो, या आप कोपलैंड साहब के सिस्टम की बात करो, या फिर आप आर एच विटेकर के फाइव किंगडम द मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम की बात करो, कहीं ना कहीं आपको ये दोनों किंगडम देखने को मिल ही जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से कि आपका टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया जब दो ही किंगडम्स थी, कौन कौन सी थी, प्लांटे एंड एनिमेलिया, तब भी ये दोनों थी। जब आपका थ्री किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन आया तो प्रोटिस्टा ऐड हो गया, जब फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया तो मोनेरा ऐड हो गया, जब फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया तो फंजाई ऐड हो गया, और जब सिक्स किंगडम सिस्टम या थ्री डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया तो क्या हुआ, मोनेरा को हमने आर्किबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में बायफर्केट कर दिया। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये दोनों कांस्टेंट रहे, बाकी चीज़ें जो हैं आई और गई, लेकिन ये दोनों बेसिकली कांस्टेंट रहे। सो दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज द कांस्टेंट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। एंड व्हाई इज इट सो, इसके पीछे कोई बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। आप सबको पता है कि अगर आप डॉग को देखेंगे तो आपके मन में एक इमेज बन जाएगी दैट येस दिस इज एन एनिमल, आपको उसकी सेल वॉल देखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली बोल दोगे उसके कैरेक्टर्स के हिसाब से कि यार ये एनिमल है। और अगर आप तुलसी के प्लांट को देखोगे तो आपको डायरेक्टली पता लग जाएगा दैट इट इज अ प्लांट, आपको कोई ये पता लगाने की जरूरत नहीं है कि उसकी सेल वॉल सेल्युलोजिक है या काइटिनस है, आप लोग डायरेक्टली देखकर बता सकते हो दैट येस इट इज गोइंग टू बी अ प्लांट। सो देर आर सम थिंग्स विच कैन बी इजिली कंसिडर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, जिसको आप सिर्फ एक नज़र देख के बता सकते हो कि ये प्लांट है या एनिमल। तो इनकी क्लासिफिकेशन काफ़ी आसान थी एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ईजी क्लासिफिकेशन दे आर द पार्ट ऑफ ईच एंड एवरी क्लासिफिकेशन सिस्टम, चाहे वो सबसे सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम हो चाहे वो सबसे कॉम्प्लेक्स क्लासिफिकेशन सिस्टम हो, एंड दैट्स वाई दीज आर द कॉन्स्टेंट्स। सो दीज आर सम क्रेडेंशियल्स ऑफ माइंड, यू कैन हैव अ लुक इफ यू वॉन्ट, अदरवाइज लेट्स प्रोसीड। आप लोग हमसे अन अकेडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड करके भी जुड़ सकते हैं, जैसे ही आप लोग ऐप डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे और गेट सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे, आपको हमारे सारे के सारे सब्सक्रिप्शन पैकेजेस देखने को मिल जाएंगे अपनी स्क्रीन पर। आई रिकमेंड यू गाइज कि आप यहाँ से एक साल या दो साल का सब्सक्रिप्शन पैक ऑप्ट करें, बिकॉज ये कंपैरेटिवली सस्ते पड़ते हैं और आप इन्हें पास ऑन भी कर सकते हैं टू एनी ऑफ योर जूनियर्स या फिर भाई बहन को। और अगर आप यहाँ पर रेफरल कोड एंटर करते हैं विपिन, तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, आपको मेरे सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे जो आपको कहीं और नहीं मिलने वाले, एज वेल एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको मेरा एक साल का फ्री मेंटोरशिप प्रोग्राम मिल जाएगा, जो कि आपको हेल्प करेगा, इनेबल करेगा कि आप लोग बेहतर तरीके से अपना एग्जाम यू नो फोड़ सकें। ऑलराइट, सो प्लीज मेक श्योर कि आप विपिन नाम के इस रेफरल कोड को यूज करें। सो नाउ लेट्स कम टू द कंटेंट। बिसाइड्स ग्रॉस मॉर्फोलॉजी, कुछ और कैरेक्टर्स की जरूरत पड़ने लगी क्लासिफिकेशन में, क्योंकि ग्रॉस मॉर्फोलॉजी से आप सिर्फ प्लांट और एनिमल के बारे में बता सकते थे, आप बैक्टीरिया के बारे में नहीं बता सकते थे, आप फंजाई के बारे में नहीं बता सकते थे, आप प्रोटोजोवन के बारे में नहीं बता सकते थे, यानी कि काफी सारे डिमेरिट थे सिर्फ शक्ल देखकर किसी चीज को क्लासिफाई करने की। सो साइंटिस्ट ने सोचा कि हम सेल स्ट्रक्चर को भी कंसिडरेशन मिले, यानी कि हम ये पता लगाएं कि क्या वो प्रोकैरियोटिक है या फिर वो यूकैरियोटिक है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक को इन्होंने मोनेरा में डाल दिया और बचे हुए सारे यूकैरियोट्स को बचे हुए किंगडम्स में बांट दिया। नेचर ऑफ वॉल को देखें, क्योंकि जब आप बात करते हो बैक्टीरिया की, सो बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल होती है दोस्तों, ये पेप्टिडोग्लाइकन की बनी रहती है, पेप्टिडोग्लाइकन, ओके दिस इज वाई ग्लाइकन। जब आप बात करते हो फंजाई की, सो वहां पे कैरेक्टरिस्टिक वॉल होती है जो कि आपकी काइटिन की बनी हुई होती है। जब आप बात करते हो प्लांट की, सो वहां पर कैरेक्टरिस्टिक सेल वॉल होती है जो कि मेजरली आपका सेल्युलोजिक कंटेंट से बनी हुई होती है। और जब आप बात करते हो एनिमल्स की, यानी एनिमेलिया किंगडम की, सो यहां पर ये जो आपका किंगडम रहता है यहां पर कोई भी सेल वॉल आपकी प्रेजेंट नहीं रहती। सो ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल भी आप लोग बायफर्केशन कर सकते हो। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बैक्टीरिया आपका ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है, हेटरोट्रॉफिक भी हो सकता है, डिजीज कॉजिंग भी हो सकता है, सो ये अपना वैरायटी ऑफ नेचर शो करता है। फंजाई आपके सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक ही होंगे, यानी औरों के खाने पर ही, औरों के टुकड़ों पर पलेंगे। प्लांटे आपके हमेशा ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी खुद का खाना खुद बनाते हैं।
एंड एनिमेलिया हमेशा ही हेटरोट्रॉफिक होते हैं, यानी ये भी अपना खाना खुद नहीं बनाते। अब ये मत बोलना सर हम तो ये हॉस्टल में मैगी बना के खाते हैं, वो खुद का खाना बनाने में नहीं आया। वी विल बी टॉकिंग अबाउट द फूड दैट इज फॉर्म्ड इनसाइड योर बॉडी सेल्स। देन हैबिटेट की कौन सी चीज कहां पर रहती है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की असेक्सुअल है या सेक्सुअल है, सॉरी, एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की कौन सा ऑर्गेनिज्म किस ऑर्गेनिज्म से कितना ज्यादा कनेक्टेड है ऑन द बेसिस ऑफ फाइलोजेनेटिक्स। सो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को आप लोग क्या कहते हैं, आप लोग फाइलोजेनी भी बोलते हैं। ओके, यहां पर आप लोग ये देखते हैं कि कौन सा इंडिविजुअल एंसेस्टर से कितना ज्यादा कनेक्टेड है या एक दूसरे से कितना ज्यादा कनेक्टेड है। वी डू हैव अ लॉट ऑफ यू नो सॉफ्टवेयर फॉर दिस एज वेल। सो क्लासिफिकेशन जो है ये काफी सारे चेंजेस से होकर गुजरा है और अपनी फाइनल शेप तक पहुंचा है। सो अलग अलग टाइम पर अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग क्लासिफिकेशन दी, लेकिन कुछ चीजें कॉन्स्टेंट रही, जैसे कि आपकी किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया। और ये क्यों कॉन्स्टेंट रही, क्योंकि इनको पहचानना बहुत आसान था। लेकिन जैसे जैसे नंबर और नेचर चेंज होने लगा अलग अलग किंगडम का, वैसे वैसे आपका क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया में भी बदलाव आने लगे। यानी कि अगर आपने क्राइटेरिया ही चेंज कर दिया तो चीजें सफल हो जाएंगी। जैसे कि अकॉर्डिंग टू प्लांट एंड एनिमल किंगडम, यानी कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन, आपका फंजाई किसमें था, प्लांटे में था, बैक्टीरिया किसमें था, प्लांटे में था। जैसे ही आपने मोनेरा इंट्रोड्यूस किया, बैक्टीरिया फटाफट आके यहां पे घुस गया। ओके, जैसे ही आपने फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, फंजाई फटाफट आके इसमें घुस गया। यानी कि जैसे ही आपने एक दो एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स इंप्लाई कर दिए ना, क्लासिफिकेशन पूरा टेढ़ा मेढ़ा हो गया और चीजें सफल होने लग गई। लेकिन इस शफलिंग के बीच में हमें दो सच्चे साथी मिले जो कि थे प्लांट्स और एनिमल, जिसने क्लासिफिकेशन का कभी साथ नहीं छोड़ा, चाहे कितना भी क्राइटेरिया चेंज क्यों ना हो जाए। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई, समझ में आई, देन प्लीज गिव दिस वीडियो अ बिग फैट थम्स अप। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, टेलीग्राम पर हमसे कनेक्ट हो जाइए, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड प्लीज मेक श्योर कि अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप विपिन नाम का कोड यूज करें, एज इट इज रियली गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू गाइज टू प्रिपेयर वेल आफ्टर यूजिंग दिस पर्टिकुलर कोड। सो थैंक यू सो मच गाइज, लॉट्स ऑफ लव, आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।